मध्य प्रदेश में जो हमने 15 अप्रैल को सैंपल्स टेस्टिंग के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज में भेजे थे, उसमें से कुल 9 लेबोरेटरी से हमें 1158 सैंपल्स की टेस्टिंग के परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब तक हम किसी एक दिन में प्राप्त हुए परिणामों में से ये सर्वाधिक हैं। इसमें दिल्ली में जो हमने सैंपल भेजे थे उनके भी परिणाम सम्मिलित हैं। कुल 1158 में से 142 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। एक उसमें से भी अधिकतर सैंपल इंदौर के हैं। इंदौर में 110 पॉजिटिव हैं। भोपाल में कुल 12 नए पॉजिटिव सैंपल आए हैं और खंडवा में 17। आज की स्थिति में प्रदेश में 1120 पॉजिटिव केसेस कोविड-19 के निकले हैं। 1120 केसेस में से कुल 53 केसेस में मृत्यु हुई है, बाकी लगभग 70 केसेस डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी केसेस अस्पतालों में विभिन्न स्थिति में हैं जिनका हम इलाज चल रहे हैं। जो शुरुआत में हमको दिक्कत हो रही थी ट्रीटमेंट में, वो व्यवस्था में बहुत सुधार हो गया है और ज़्यादातर केस हमारे चूँकि वो टाइमली डिटेक्ट हो जा रहे हैं और टाइमली हम उनको अस्पतालों में भर्ती कर ले रहे हैं, तो उसमें हमको उनके इलाज में भी बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। जो केस पॉजिटिव आए इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो पहले से हमको हमारे क्वारंटाइन में थे। या तो हमने उनको होम क्वारंटाइन किया हुआ था या फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हुआ था। मतलब ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हमारे संज्ञान में थे और उन्हीं के सैंपल इकट्ठे करके हमने भेजे हुए थे। सो एक अच्छा लक्षण है कि जो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू लोग आ रहे हैं, उनके सैंपल हम ले रहे हैं, उन्हीं के परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव संख्या दिखती है। एक और मैं कहना चाहूँगा, इंदौर में अब हमने लगभग 5,000 के आसपास सैंपल हम एकत्र कर चुके हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर में लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन पे औसतन करीबन 2100 टेस्ट की स्थिति बन रही है, जो इंडिया के बाकी किसी भी एरिया से, इंडिया के एवरेज से बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वो दुनिया के विकसित देशों से भी कई जगह तुलनात्मक स्थिति में होता जा रहा है। और इस हाई टेस्टिंग के कारण वहाँ यद्यपि ऐसा लगता है कि प्रकरणों की संख्या 701 हो गई है, बट ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव लक्षण है कि हम हाई टेस्टिंग कर ले रहे हैं। चूँकि जो ट्रेंड था वो मृत्यु का, उसमें इससे बहुत सुधार आ रहा है जल्दी प्रकरणों के अस्पताल में आ जाने के कारण। मुझे ये बताते खुशी है कि कल पूरे प्रदेश में कहीं से कोई भी कोरोना प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु का हमको कोई सूचना नहीं मिली है, अर्थात कोई भी डेथ कल नहीं हुई है। पिछले 2-3 दिन से हम भोपाल में अपनी सैम्पलिंग की संख्या बढ़ा रहे थे और हमारे पास अब करीबन पिछले 2-3 दिन में 2,500 सैंपल के आसपास हो गए हैं। हम कल एक प्लेन लोड से उन सैंपल को बाहर भेजने का भी प्लान कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन हम इंदौर में और एक सैम्पलिंग का अभियान चलाएंगे और बड़ी संख्या में सैंपल कलेक्ट करेंगे ताकि एरिया चिन्हांकित हो सके। इस कोविड के इस पूरे मामले में जितना अब तक हम लोग कहते आए हैं, सफलता का सबसे बड़ा आधार इस बात पे है कि कोई सैंपल हमको टाइमली पता चल जाए पॉजिटिव केसेस का, जिससे हम उनको क्वारंटाइन कर सकें और क्वारंटाइन करने के साथ साथ जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनके इलाज की व्यवस्था कर सकें। ये हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है, इसलिए हम अपनी सर्वे की टीम्स की संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। इंदौर में आज की तारीख में 494, लगभग 500 सर्वे टीम काम कर रही हैं। भोपाल में भी लगभग 500 सर्वे टीम काम कर रही हैं। इससे हम हर उस पॉपुलेशन को जो हमारे कंटेनमेंट जोन में है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में उन सबका 100% सर्वे कर लिया जाए और जो हाई रिस्क केस हैं उसमें उनको आइडेंटिफाई करके उनकी हम टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकें। पूरा ध्यान हमारा इस सर्वे की गतिविधियों पर और हमारी टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने पर है। आप सब सहमत होंगे, केवल प्रशासन के भरोसे हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने सब जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कॉन्फिडेंस में लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अशासकीय संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को, विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि संस्थाओं को हम इस अभियान में शामिल कर सकें, वो लोग अपने क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन में सहभागी बन सकें, वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको खाने की व्यवस्था उनके घर पहुँचा कर सकें, उनको सहयोग कर सकें, और साथ ही जो एनफोर्स करना है क्वारंटाइन जोन को उसमें भी उनकी मदद मिल सके, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। मैं आप सब
आपके माध्यम से पुनः एक बार सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी कोविड का लक्षण आपको दिखाई देता है स्वयं में, खुद के परिवार में, खुद के पड़ोस में, आसपास में, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल छिपाएं नहीं, उसकी सूचना दें। ऐसा होना कोई ना आपका दोष है ना अपराध है, आप सूचना देंगे तो हम उसको अपने सैम्पलिंग टेस्टिंग में जितना जल्दी हो सकेगा ले पाएंगे और उससे हमको उनको बेहतर इलाज करने में सुविधा होगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।